जय माता दी मित्रों, माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर। जी हाँ, 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। अब इसका मीन लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको हम देखते हैं। देखिए मित्रों, मीन लग्न के अंतर्गत शनिदेव कुंभ राशि में अर्थात 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे। 12वें घर के स्वामी भी हैं, साथ ही एकादश आपके लाभ आपके आय भाव के स्वामी होकर 12वें घर में गोचर करने वाले हैं। तो एक तो ये प्रभाव आप जान लीजिए, शनिदेव 12वें घर में रहेंगे, स्वग्रह अवस्था में हैं, तो ये एकांतवास आपको दिला सकते हैं। आप कहीं दूर जा सकते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर कभी आपने उसका एक्सपीरियंस ना करा हो, अनुभव ना किया हो, इस तरीके से कहीं दूर देश प्रदेश आप जा सकते हैं, वो स्थिति आपकी बन सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया है, आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत कुछ गलत काम के कारण मतलब गलत योग नहीं है, तो वहाँ पर आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, अर्थात ये कारावास वगैरह इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। या तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, दशा अंतर्दशा पर निर्भर करता है, अदरवाइज़ थोड़ा एकांतवास होने की उम्मीद यहाँ पर बनती है। ये इस तरीके से भी आप एकांतवास जान सकते हैं कि आप साधना के लिए कहीं दूर जा रहे हैं, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगर इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो आप, हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल बंदे हैं और आप तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए गुरु के आश्रम में जा रहे हैं, अर्थात क्योंकि ये भाव नवम भाव गुरु का घर है और यहाँ से चतुर्थ भाव में शनि स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत हैं। इसका मतलब आप एक गुरु के घर में जाने वाले हैं। गुरु के घर को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई एक स्ट्रिक्ट टीचर है, मतलब वहाँ पर एक कह सकते हैं कि आपका एक टीचर है वहाँ उसके घर पे, मतलब किसी गुरु के घर पर, या हो सकता है कि आप कोई एक ऐसे फील्ड के अंतर्गत जा रहे हैं जहाँ पर आपका ट्रेनिंग पीरियड है और वो ट्रेनिंग पीरियड भी वे लोग आपको आपकी ही अपने ही एक सिस्टम के अंतर्गत रखकर आपको सिखाना चाह रहे हैं। कुछ इस प्रकार से भी आप इसको मॉडर्न तरीके से समझ सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन सब चीज़ों में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इस समय के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वहाँ पर नियम कायदे कानून काफ़ी अधिक रहेंगे, क्योंकि गुरु का भी घर रहेगा तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे, नियम कायदे कानून बहुत ज़्यादा रहेंगे, जल्दी मतलब एक समय पर हर कार्य को करना, इस तरीके की स्थिति, एक सिस्टम के साथ एक नियम के साथ रहना, ये सारी स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है, ये प्रभाव कह सकते हैं। क्योंकि शनिदेव यहाँ पर 12वें घर के अंतर्गत है तो थोड़ा सा शरीर के अंतर्गत आपको थोड़ा सा कैल्शियम की, सोडियम की, इस तरीके के अवयवों की, हीमोग्लोबिन की, इस तरीके की कमी, मांसपेशियों में दर्द कह सकते हैं, खिंचाव कह सकते हैं, वो सब स्थितियाँ आपके साथ हो सकती है, थोड़ा इस तरीके का संबंध बन सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव आपके आयुष बनकर 12वें में संबंध बनाए हैं, डोनेशन जरूर करते रहना, इस समय के अंतर्गत दान पुण्य के कार्य जरूर करते रहना, अन्यथा आपका, क्योंकि शनि का संबंध षष्ठम भाव से ही बनता है, ये रोग पर, शत्रुओं पर, कोर्ट केस इत्यादि में भी, इत्यादि चीज़ों में, हॉस्पिटल में भी, वहाँ पर आपका पैसा नष्ट करा सकते हैं, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। साथ ही अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो तो वहाँ पर आप कर लीजिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ ये शनि आपको फ़ायदा जिन चीज़ों में दिला सकते हैं, बेसिकली आपको फ़ायदा दिला सकते हैं साधना के क्षेत्र में, आपको फ़ायदा दिला सकते हैं। आप अगर योगासन करना चाहते हैं, योगाभ्यास करना चाहते हैं, योग क्षेत्र में एक बड़े उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, इस समय आपके लिए खास रहेगा। हो सकता है इस समय के अंतर्गत आप अपने आप को, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिम इत्यादि भी करें, तो वो भी वहाँ पर आप देख सकते हैं, वो प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही अब ये देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि और वो भी शत्रु दृष्टि है, संघर्ष की दृष्टि है, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने धन संचय को लेकर परेशान रह सकते हैं, पैसा आपका संचित होने में बड़ी परेशानी आपको आ सकती है। तो धन संचय का कार्य शनिदेव आपको सिखाएंगे, एक दंड देकर कह लीजिए या फिर एक परेशानी देकर कह लीजिए कि शनिदेव आपको धन को संचित करना अब सिखाएंगे, इस पर, इसकी ओर आपको ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कुटुंब जन, परिवार जन कोई गलती कर सकते हैं, उन गलतियों को आप छुपाने का प्रयास कर सकते हैं, या उनसे दूर जाने के भी योग आपके जीवन में बनेंगे, उनसे विरह के योग आपके जीवन में बनेंगे, उनके लिए संघर्ष आपका रहेगा कह सकते हैं, उनको लेकर थोड़ा संघर्ष हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर संघर्ष हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर एक विवाद की स्थिति बन सकती है। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखेगा, वाणी कड़वी हो सकती है, कड़वा बोलने से बचेगा, इस बात का आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। साथ ही शनिदेव की सातवीं दृष्टि सीधी दृष्टि रहेगी, ये आपके षष्ठम भाव पर रहेगी। देखो यहाँ पर शत्रु राशि है, सिंह राशि है, शनिदेव का प्रभाव रहता है, जिस भाव पर प्रभाव डालते हैं उसको नष्ट करने का कह सकते हैं काम करते हैं। तो रोग की बात करें, षष्ठम भाव रोग का है,
तो रोग आएगा, रोग को नष्ट कर देंगे एक लड़कर, फाइट करके, क्योंकि शत्रु दृष्टि है यहाँ पर। तो कह सकते हैं रोग हो, अगर है आपका रोग चल रहा है तो अब आपके साथ अगर आप फाइट करते हैं, लड़ते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वो रोग खत्म हो जाएगा। शत्रु बन रहे हैं या बनेंगे भी समय के अंतर्गत, उनके साथ लड़ोगे और उन्हें समूल नष्ट कर दोगे आप कह सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। ऋण कर्जा बढ़ेगा तो अगर उसको भी आप अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं, मतलब हो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी स्थिति हो सकती है। कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप सारे कंपटीशन आएंगे, उसमें फाइटिंग भी आपको करनी पड़ेगी, अर्थात आपको कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह अगर आप देंगे तो आपका निश्चित ही है कि आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। वो स्थिति भी यहाँ पर दिखती है, मतलब कहीं ना कहीं शनिदेव आपको यहाँ पर कंपटीशन में विजय दिला देंगे। देखिए शनिदेव सेवा के कारक ग्रह और 12वें घर में जब जाते हैं तो लोगों की सेवा करना मत भूलिएगा, गुरु की सेवा मत करना भूलिएगा, मतलब वो सेवा जरूर करते रहना, सेवा से जुड़े कार्य करते रहेंगे, शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे। थोड़ा सा अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोचना, मतलब संसार के बारे में सोचना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि शनिदेव जब 12वें घर में आएंगे, ये आपका 12वां घर आपका शैया सुख भी है। शनिदेव का प्रभाव अध्यात्म से होता है, याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं शैया सुख से भी आपको वंचित करेंगे। ये आपको मतलब आप सोच रहे हैं कि आप अध्यात्म के रास्ते से अगर आप परे जाकर शैया सुख ले रहे हैं, वो सुख आपको कदापि नहीं देंगे, तो ये बात का आपको विशेष विचार करना चाहिए। साथ ही देखिए शनिदेव की दशम दृष्टि की बात करें तो देखिए दशम दृष्टि ये भी क्या रहेगी, वृश्चिक राशि मंगल की राशि, शत्रु दृष्टि रहेगी, नवम भाव पर रहेगी, भाग्य के घर पर रहेगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, संबंधों को विशेष तौर पे बनाने का प्रयास करिएगा, मामा मौसी के साथ संबंध कहे जाएं चाहे, क्योंकि मामा मौसी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं आपके 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 खुद के परिवार के साथ। कहीं ना कहीं कि शनि का प्रभाव आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके पिता के साथ, आपके गुरु के साथ। तो गुरु विद्रोही मत बनेगा, गुरु की सेवा करने का कर्म दृष्टि है शनिदेव की, गुरु की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करिएगा, पिता की सेवा हो सके पिता की सेवा करिएगा यहाँ पर, और धर्म से संबंधित धर्म से जुड़कर कार्य करेगा। हायर एजुकेशन विदेश में जाकर आपको हो सकता है कि बड़ी पढ़ाई या हायर एजुकेशन वो सब हो सकता है, कुछ नया जो ऐसा मतलब कुछ नई चीज़ आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं, वो प्रभाव आप देख सकते हैं, ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। अब देखें यहाँ पर उपाय भाग्य के लिए, क्योंकि ये भाव आपका भाग्य का घर है, धर्म का घर है। शनिदेव की जब दृष्टि पड़ती है थोड़ा सा भाग्य का साथ कह सकते हैं कम मिलता है, हार्डवर्क कठिन परिश्रम ज़्यादा, क्योंकि शनिदेव 12वें घर में मेहनत बहुत अधिक करा देंगे, प्रयासरत आपको बहुत बनाएंगे वो कह सकते हैं, और भाग्य का साथ कह सकते हैं कम मिलेगा यहाँ पर। और क्योंकि गुरु का प्रभाव रहेगा तो देखिए ज़्यादा आपको घबराना नहीं है जब तक गुरु आपके लगन में चल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये हम केवल एक ग्रह को देखकर बता रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारी मंथली ईयरली प्रेडिक्शन फॉलो करते रहिए, क्योंकि वहाँ पर सभी ग्रहों का प्रभाव बताते हैं, तो वही अच्छे से आपको समझने के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जब तक गुरु लगन पर है शनिदेव के नेगेटिव ज़्यादा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ने वाले नहीं हैं, फिर भी शनि का प्रभाव आपको समझना है तो शनि के मुताबिक आपको सही तरीके से अपने कर्मों को करना है, आपके कर्मों को सुधारना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए, उपाय के तौर पे क्योंकि 12वां घर आपका अस्पताल है, जेल है, आपका केसेस वगैरह लग जाते हैं, तो कोर्ट है आपकी कह सकते हैं, तो वहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल इत्यादि में हो सकता है कोई सरकारी अस्पताल है वहाँ पे गरीब व्यक्ति मिले, तो आप अगर आप भोजन की व्यवस्था करा दें उनके लिए एक समय की, शनिवार के दिन करा दें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं डोनेशन दान पुण्य अगर आप वहाँ पर कराए तो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार है, मेडिकल का खर्चा नहीं झेल पा रहा है, अगर हो सकता है आप योग्य हैं, आपके मतलब समर्थ हैं आप, तो आप उसका खर्चा अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ पर आप उस तरीके का आप दान करके वहाँ पर पुण्य कमा सकते हैं, तो वो आप करते रहिएगा। खास तौर पे शनिवार के दिन तो गरीब व्यक्तियों को आप भोजन वगैरह की व्यवस्था कराइए, छाता दान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब कुल मिलाकर या आप किसी मंदिर, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि गुरु की सेवा, गुरु के आश्रम में कुछ कार्य कुछ सेवा करा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मंदिर में छत्रदान और वो भी माता काली के अगर आप ऊपर कराएं वहाँ पे छत्र मतलब छत्र चढ़ाएं, तो आपको विशेष तौर पे माता काली के ऊपर छत्र चढ़ाने से शनिवार के दिन तो आपको विशेष तौर पे लाभ रहेगा, कहीं ना कहीं शनि माता की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको शनि का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।